So, we are going to start chapter 9. The name of chapter is Coordination Compound. Coordination Compound. इसका exactly मतलब क्या होता है? और इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं? तो यहाँ पे जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम जिसको बोलते थे आज तक बहुत सारी जगह पे आए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है हमने ऐसा देखा था CuNH3 4 ट्वाइस प्लस टू CuNH3 4 टाइम्स प्लस टू पहले हमने ऐसा कुछ देखा था फिर एक बार हमने ऐसा देखा 8 चैप्टर में FeCO5 देखा फिर NiCO5 देखा फिर मैंने बोला आप टेंशन मत लो ये पूरे के पूरे जो है वो क्या होने वाले है भाई हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ने वाले हैं ओके सो इनका जो दूसरा नेम है इनको कौन से नेम से हम लोग बुलाया जा सकते हैं इसको और कौन से नेम से बुला सकते हैं हम लोग इसको हम और एक नेम दे सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसको और क्या नाम देख सकते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ओके ओके इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इसका इंपॉर्टेंस हम लास्ट में देखने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अगर मैं आपको बताऊं कि आप कहां पे इसका अब तक यूज किया है तो ये सब तो आपने देखे ही थे साथ में आपको दिखाओ लीचिंग प्रोसेस याद करो ड्यूरिंग लीचिंग प्रोसेस AgCN Ag था वो साइनाइड के साथ जुड़ता था AgCN ट्वाइस माइनस वन ओके यस और नो ये हमने देखा था लीचिंग प्रोसेस में गोल्ड और सिल्वर को निकालने के लिए भी ये केमिस्ट्री यूज होती है फिर दो अभी जस्ट यस्टरडे वी हैव सीन अबाउट द हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में Fe था और उसके आसपास सभी जो पॉलीपेप्टाइड चेन थी वो जुड़ी हुई थी हाया ना सो जो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन था दैट वन वाज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फिर क्लोरोफिल याद रखना एक चीज दिमाग में बिठा दो हीमोग्लोबिन इज कॉम्प्लेक्स ऑफ Fe Fe का कॉम्प्लेक्स कौन है भाई सॉरी हीमोग्लोबिन इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ आयरन एंड दूसरी बात क्लोरोफिल क्लोरोफिल जो है उसमें Mg आता है एक और आता है साइनो कोबाल्ट एमाइन याद रखने की बात साइनो कोबाल्ट एमाइन विटामिन B12 जो हम बोलते हैं सो इट्स अ मेड अप ऑफ कोबाल्ट ओके विटामिन B12 सो ये बात बनती है विटामिन B12 के बारे में ओके एनीथिंग एल्स वुड यू लाइक टू शेयर सो इट्स अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनकी एप्लीकेशन और भी कहां पे होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होती है इसकी एप्लीकेशन जब सिल्वर और गोल्ड का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाना है ना एट दैट टाइम वी यूज AgCN ट्वाइस ओनली शॉल्ट से ज्यादा इफेक्टिव रहता है इट्स मोर इफेक्टिव ओके ओके टेक्सटाइल डाइंग में एंड मेडिसिनल इन मेडिसिनल केमिस्ट्री ओके ओके तो ये सभी कॉम्प्लेक्स में पढ़ना ही होता है NiCO4 तो यहां पे है ना दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है किन चीजों से बना हुआ है वो हम देखें फिर इसकी किस तरह से डिस्कवरी हुई थी वो हम सब देखेंगे लेकिन यहाँ पे जो है आप देखो ये हो गया कॉम्प्लेक्स और एक कॉम्प्लेक्स में ड्रॉ करता हूं सपोज Cu और उसके साथ अमोनिया है इसके साथ जो भी अमोनिया है उसका हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ प्लस टू अब होता क्या है वो आपको अच्छे से देखना है अब होता क्या है ये जो Cu है बच्चों ओके यहां पे उसके ऊपर कितना चार्ज रहता है प्लस टू चार्ज रहता है या ना
यस और नो? यस सर। अब ये जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, फिर ये जो है ये लिगेंड बोलते हैं, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट, इसको मेटल आयन बोलते हैं, इसे मेटल आयन होते हैं, और ये जो है ये लिगेंड होते हैं। लिगेंड दो तरह के हो सकते हैं, आइदर दे आर न्यूट्रल होते हैं या फिर दे आर नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पे अमोनिया इट्स अ न्यूट्रल वन, बट ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, अपने ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे उसके ऊपर उसने वो दोनों क्या कर दिए, बॉन्ड बनाने में डोनेट कर दिए, कॉपर में डाल दिए उसको। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना उसमें कॉपर ने तो सिर्फ उसको बोला कि अगर अमोनिया तुम्हें आना है तो मेरी ऑर्बिटल्स खाली है, तुम अपने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो और बैठ सकते हो। तो मीन्स कॉपर के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, मेटल आयन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स है और लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है। तो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रखता है, आयन्स की ऑर्बिटल में रख देता है। तो हम ये जो बनेगा फॉर्मेशन, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोला जाता है इसको, इसीलिए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। इट्स अ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, समझे बात? अब आजकल उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, पहले तो इनको क्या बोला जाता था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। चलो इज इट क्लियर? तो सर ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, उनकी स्टडी सबसे पहले किसने की थी? अरे वो एक अल्फ्रेड वर्नर नाम का साइंटिस्ट था, एक्सीडेंटली ही जस्ट फाइंड इट आउट। ओके, हाँ उसने एक्सीडेंटली ये सब ढूंढा था, कोई दिक्कत नहीं है। इन टुमॉरोस लेक्चर वी विल लर्न व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन बना सकता है, क्या सोडियम मैग्नेशियम भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं या नहीं, कौन सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, वो चीज हमें देखनी है। ओके, सो आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच।